थ्री काइंड्स हमने देख लिए थे। आज नंबर फोर का जो काइंड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम फोर नंबर पे जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो who, what, which, whose, who, ये जो सभी वर्ड्स है
एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, एक्सरसाइज नंबर रहेगी 3.
रेफर भी करते हैं जो उसके आगे बिफोर जाता है ना, वो हम एग्जांपल के ऊपर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो हु, होम, हूज, विच, ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे है दिस इज द मैन ही स्टोल माय पर्स, दो सेंटेंसेस है, दिस इज द मैन okay।
पहले सेंटेंस में नाउन है द बॉय, द बॉय के लिए दूसरे सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ही इज यूज हुआ है। द बॉय यानी ही का यहाँ पे ही इज यूज हुआ है। ही इज है वो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता तो ही आता, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता तो ही आता। ये कौन सा है, ही इज फादर, रिलेटिव फॉर्म है ही इज फादर। तो हम हूज यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हूज। तो ही इज निकालेंगे, उसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, हूज। ओके, हूज के आगे जो नाउन है वो हो जाएगा द बॉय। तो पहला सेंटेंस ऐसे ही आएगा, दिस इज द बॉय हूज फादर इज डेड। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हूज, उसके बिफोर क्या आया, नाउन आया। सभी रिलेटिव प्रोनाउन के बिफोर नाउन आएगा, जो जिसको रिफर करता है वही नाउन आएगा। ही सेड को निकाल देना है, उसके बदले हमने हूज लिख दिया है। ओके, तो ये दो एग्जांपल के साथ पूरा ये जो डेफिनेशन है वो लिख लो। आगे भी बहुत दूसरे एग्जांपल्स में वो हम लिखेंगे, पहले इतना लिख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉय, द टीचर पनिश्ड हिम। ओके, तो यहां पे हम देखें तो दिस इज द बॉय नाउन है बॉय, बॉय के लिए दूसरे सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, तो क्या यूज हुआ है, हीम यूज हुआ है। हीम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के बेस में है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे हूम यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज द बॉय था, वो क्या था, एज अ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट
दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस जेक बिल्ट इट, ओके, लेकिन मैंने बताया ना कि वो है वो अगर जो प्रनाउन है
वीडियो पहले लिख लिया आपने, फिर आगे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपने जो जो यहाँ पे लर्न किया है